हाँ हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, यहाँ पे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे आज का युवा जो है ना दोस्तों, वो स्पिरिचुअलिटी बिजनेस के जरिए जो है किस तरीके से जो है काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता है, काफ़ी अच्छा जो है अपना कैरियर बना सकता है। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, मोटिवेशन है, हेल्थ फिटनेस रिलेटेड भी जो है आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो आज के समय में जो है बहुत सारे लोग जो है पहली चीज़ के जो है वीडियो कंटेंट जो है वीडियो इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो इसको बोल सकते हैं यूट्यूब जिंदगी जो है लोग जी रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लोग जो है ना, काफ़ी सारे लोग इस तरीके के वीडियो सर्च करते हैं कि भाई कैसे जो है अपने माइंड को पॉजिटिव किया जाए, कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए। वैसे ये सब चीज़ें करने के फंडे बहुत ही आसान है, बट यार लोग जो है ना अपने आप से नहीं कर पाते, क्योंकि चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिविटी से। तो दोस्तों, ये जो है एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर के जो है आप कैरियर बना सकते हैं। ये इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मेडिकल फील्ड से भी बहुत ऊपर है दोस्तों, बट इसके लिए जो है आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, और जो है इसके बाद जो है वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और दोस्तों दूसरी चीज़ के इसको जो है आपको 100 साल तक अगर चलाना है तो आपको उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको 50 साल तक चलाना है, आपको 25 साल तक, 10 साल तक ये बिजनेस चलाना है, तो आप उसको उस तरीके से जो है ग्रो अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग इसके जो है क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया है, तो इसके अंदर अलग अलग हम प्लान बना सकते हैं। पहला थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे कि बाबा रामदेव थे, उन्होंने जो है अपना ज्ञान अपने गुरु से पाया, मतलब बेसिकली जो है योगा, मेडिटेशन और आयुर्वेद के बारे में जो है उन्होंने अपने गुरु से पाया, और उनका दिमाग जो है बिजनेस का था, बिजनेस माइंड था उनका, और जो है क्या बोलते हैं लीडरशिप स्किल्स उसके पास थी। तो उन्होंने क्या किया कि फ्री योगा के कंसेप्ट को जो है शुरू किया। और यार दोस्तों, आज के समय में इंफॉर्मेशन जो है ना वही सबसे बड़ा जो है हथियार है, बड़ा पावर है दोस्तों। तो फ्री योगा के अंदर रजिस्ट्रेशन लोगों के करवाए और लोगों को इकट्ठा किया और अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आज आपको जान के मतलब हैरानी होगी कि बाबा रामदेव के हर एक एड के अंदर है ना, बाबा रामदेव खुद ही जो है इसको सेल करते हैं, मतलब वही ब्रांड एम्बेसडर है बाबा, मतलब पतंजलि जो प्रोडक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी सेल्फ ब्रांड जो है कितने लेवल पे बना दिए दोस्तों। तो आप उनके हर एक वीडियो में देखेंगे कि वो 5-6 प्रोडक्ट तो सेल कर ही डालते हैं अपने डिस्कशन के दरमियान, फ्री सिखाने के चक्कर में प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आजकल तो यार सब चीज़ें बाबा रामदेव बेचना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साड़ी भी बेच रहे हैं, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही नहीं, सब चीज़ें यहाँ पे वो बेच रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए हर कैटेगरी की जो है प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे हेल्थ फिटनेस के रिलेटेड नहीं, हर किस्म की प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको ये लेवल तक अगर लेके जाना है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कि एक साधु गुरु करके है, तो इनका भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है मेडिटेशन, तो बाबा रामदेव का योगा मेडिटेशन के ऊपर है, इनका जो है योगा मेडिटेशन के साथ साथ जो है ना ये सब जो हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स रहते हैं कि भाई जल्दी कैसे सोना है, आयुर्वेदिक लाइफ कैसे जीनी है। तो यहाँ पे यार ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है अपनी स्पीच को जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर आपको ये फील्ड में जाना है, और आपको थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअलिटी के बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। या तो इन लोगों के वीडियोस जो आप कंटिन्यूस देखेंगे तो आपकी स्पीच और माइंडसेट भी जो है उस तरीके का होना शुरू हो जाएगा। बट हाँ दोस्तों, इनको इनकी बातें सुन के जो है आप मोहमाया में मत चले जाना, क्योंकि ये भी एक टाइप का एडिक्शन है कि भाई संसार को छोड़ देना और कुछ ना करना, कुछ करने से कुछ होता नहीं है, लास्ट में तो सबको मरना ही है। अगर ये जितने गुरु हैं वो ये सब सोचेंगे तो ये अपना इतना बड़ा ब्रांड जो है नहीं बना पाएंगे दोस्तों। तो वो आपको नॉलेज एब्जॉर्ब करना है और लोगों को देना है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके के टॉपिक के, हाँ टॉपिक रिसर्च करिए, रामदेव के चैनल के ऊपर टॉपिक रिसर्च करिए और इनके चैनल के ऊपर टॉपिक रिसर्च करिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि बाबा रामदेव ने बहुत सारे आश्रम खड़े किए हैं, ये योगा के वीडियोस बनाते हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन स्टोर भी शुरू किया हुआ है। सेम तरीके से साधु गुरु ने भी जो है बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है इन्फॉर्मेशन जो है पावर है, तो ये भी जो है फ्री का रुद्राक्ष देने के चक्कर में पूरे वर्ल्ड के लोगों का जो है डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, और वो डेटा ही पावर है दोस्तों। इनके पास ऐसा डेटा है कि एक बार इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इनकी सब इन्फॉर्मेशन, इनके प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने क्या बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लोगों के अंदर जो है स्प्रेड कर सकते हैं। और 50% भी जो है या तो 10% भी इसका जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो मिलियंस जो है रुपीज़ में इनको फ़ायदा होगा, फ़ायदा हो सकता है। तो ये दोस्तों पेड कोर्सेज भी दोस्तों करवाते हैं, क्या बोलते हैं कि साधु गुरु जो है पेड, काफ़ी एक्सपेंसिव पेड कोर्सेज भी दोस्तों करवाते हैं। तो इनका पैसा जो है यूट्यूब से तो अर्निंग होती है, ये जो है क्या बोलते हैं कि कोर्सेज से अर्निंग होती है, उसके अलावा यहाँ पे ये सब चीज़ें भी बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, बुक्स बेचते हैं,
योगा के रिलेटेड जो है मैट बेचना, मालाएं बेचना, खाने पीने की आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक चीज़ें बेचना, साबुन बेचना, अगरबत्ती बेचना, ये सब चीज़ें करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से भी इनकी अर्निंग होती है। साथ ही साथ इन्होंने भी अपना जो है बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं। तो दोस्तों ये जितने लोग हैं ना अपने आश्रम बनाते हैं, तो बेसिकली जो है स्पिरिचुअलिटी बिजनेस के अंदर आपको जो है एसेट बिल्डिंग भी करना है, मतलब फिजिकल एसेट है, ऑनलाइन एसेट है, लोगों का डेटा भी कलेक्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके, और यहाँ पे आपको नेशनल लेवल के के ऊपर लेके जाना है, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, तो उसके हिसाब से जो है आप कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम्स है, तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स इनके अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग इसकी जो है कॉस्ट जो है रहती है दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए इनके अलग अलग प्रोग्राम्स है। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ओके, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा। हाँ, अगर आपको म्यूजिक दोस्तों, हाँ म्यूजिक जो है स्पिरिचुअलिटी बिजनेस में पीसफुल म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक, भजन के म्यूजिक जो है उसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक तो जो है ना आश्रम बनाने हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाने हैं, अपनी वेबसाइट्स चलानी है, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर के ऊपर जो है चलाना है, और जो है माइंड को रिलैक्स करने का, जीवन जीने के सबको जो है क्या बोलते हैं अलग अलग आइडियाज़ जो है देने हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स जो है उसके वीडियोस बनाने हैं दोस्तों, उसके ऊपर इवेंट्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे इसमें सबसे बेहतरीन जो है क्या बोलते हैं बिजनेस मॉडल आप देखें तो आर्ट ऑफ लिविंग का बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इनका यूट्यूब चैनल जो है, वैसे तो यूट्यूब से, यूट्यूब के पहले से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन से टॉपिक के ऊपर जो है ये लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, योगा मेडिटेशन लाइफ लेसन्स हैं, उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे भजन कीर्तन मिल जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे जो है इनका बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। तो समझ लीजिए कि आप इनके जो है ना एक बार कोर्स के चक्कर में घुसेंगे तो आपके 60-70 हज़ार रुपये जो है चले जाएंगे। रिसेंटली भी गुरुजी जो है हमारे एक सिटी में आने वाले हैं, तो उनको मिलने के लिए आपको 4 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितना महंगा प्रीमियम, ऐसे इसको मैं जो है ना आर्ट ऑफ लिविंग को आईफोन से कंपेयर करता हूँ, जबकि बाबा रामदेव जो है उनको मैं एंड्रॉयड फ़ोन से कंपेयर करता हूँ हमेशा, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो जो है फ्री सर्विसेज देता है, या तो हम जियो और एयरटेल से कंपेयर कर सकते हैं। जियो ने जो है क्या किया, फ्री सर्विस के चक्कर में सब जो है बिजनेस को ख़त्म कर दिया, और क्या बोलते हैं कि लोगों को जो है अपने अंदर कन्वर्ट कर दिया, और एयरटेल जो है वो प्रीमियम कस्टमर को ही सर्व करता है। तो सेम तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो प्रीमियम कस्टमर को ही फोकस करता है, कुछ भी फ्री देना वो पसंद नहीं करते हैं, तो सस्ते में भी कुछ नहीं देना, प्रीमियम चीज़ें प्रीमियम लोगों को ही दी जाए, तो यही इनका फंडा है। तो ये लोग भी जो है अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये एक इन लोगों ने फॉर्म बना के रखा है कि अपनी डोनेशन जो है यहाँ पे डालो ऐसा करके। वैसे तो इनको ये ज़रूरत भी नहीं है, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है। तो ये लोग कोर्सेज तो प्रोवाइड करते ही करते हैं दोस्तों, अलग अलग बहुत सारे इन लोगों ने कोर्स बना के रखे हैं, है ना, बट साथ साथ जो है ये टीचर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको प्लान करना है कि आप अपना जो है वो 10 साल चलाना चाहते हैं, 25 साल चलाना चाहते हैं, 50 साल चलाना चाहते हैं, कि 100 साल तक अपना स्पिरिचुअल बिजनेस जो है चलाना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से पूरा मैनेजमेंट सेटअप करें, पूरा जो है एक नेटवर्क बनाएं। तो यहाँ पे जो है रविशंकर महाराज खुद जो है इतने कोर्सेज नहीं करा सकते हैं, तो इन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ ही समय में जो है स्टार्ट कर दिया, और ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं कि आप जो है अपना खुद का कुछ नहीं कर सकते, अगर करते हुए पकड़े गए तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग जो है अपने कैलेंडर्स बेचता है, अपनी फोटो फ्रेम्स गुरुजी की बेचता है, बुक्स बेचता है, यहाँ पे म्यूज़िक बेचता है दोस्तों, साबुन वगैरह बेचता है, अगरबत्ती है, हर चीज़ जो है जो बेच सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए भगवद गीता जो है 12,000 की भगवद गीता, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितनी प्रीमियम सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि बहुत सारे वीडियोज़ जो है सीडी डीवीडी वो भी बेचते हैं, साबुन वगैरह भी बेचते हैं, बिस्किट भी बेचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ये लोग बेचते हैं दोस्तों। और हाँ, एक और चीज़ है कि आर्ट ऑफ, जैसे मैंने बताया आर्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो तो मतलब पूरा एक 100 साल नहीं, मुझे लगता है कि 200 साल तक चले इस तरीके का पूरा इन्होंने सेटअप किया है, ऑलरेडी 30 साल तो ये चल चुका है। तो यहाँ पे जो है अभी 70 साल ही बच्चे हैं इनके, तो इन्होंने एक और जो है जो कि ह्यूमन बीइंग जो है हमारा है, बच्चे जो है उनको ज़रूरत होती है कि शादी करना, तो उन लोगों ने मैट्रिमोनियल साइट भी जो है बना के रख दी है, और आप देख लीजिए कि shaadi.com से भी महंगे इनके प्राइजेज हैं, तो 999 से लेके जो है यहाँ पे 17,000 रुपये तक के जो है यहाँ पे आपको पैकेजेस जो है मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। उसके अलावा जो है पूरे वर्ल्ड में इन लोगों ने आश्रम बना के रखे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल एसेट बनाना जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम्स को तुमने देख लिया। सेम तरीके से जो है यहाँ पे SSY साइलेंस ऑफ साइलेंस योगा करके जो है सिद्धि समाधि योग। दोस्तों ये इनके जो ये गुरु हैं और गुरुजी ऋषि प्रभाकर और क्या बोलते हैं रविशंकर महाराज, उन्होंने ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ में ही जो है शुरू किया था। बट इनकी जो है डेथ हो चुकी है और रविशंकर महाराज अभी भी जिंदा है। बट फिर भी जो है आप देख सकते हैं इनकी भी जो है काफ़ी बड़ी जो है नेटवर्क है। यहाँ पे इनके बहुत सारे आश्रम से बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी ग्लोबल लेवल पे चलता है। तो यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के जैसे ही कोर्स है, बहुत सारे कोर्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बट यहाँ पे दिक्कत यही है कि इनके जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके गुरु जो है ओरिजिनल गुरु वो यहाँ पे हयात नहीं है, मतलब जिंदा नहीं है दोस्तों। तो उसके कारण जो है जो पूरा नेटवर्क बनाना चाहिए था वो इतना बन नहीं पाया है, या तो कोई भी रीज़न से मैनेजमेंट अच्छे से नहीं सेटअप किया हुआ हो, तो उस कारण से ये पूरा जो है जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं है आर्ट ऑफ लिविंग के कंपेयर में। इनकी यूट्यूब चैनल भी कोई नहीं है दोस्तों, इनका क्या बोलते हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस भी इतना नहीं है। बट काफ़ी अच्छे तरीके से फिर भी ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं छुटक पुटक जो है यहाँ पे अलग अलग लोगों ने इनके वीडियो चैनल्स जो है बना के रखे हैं दोस्तों। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है इनका आश्रम वगैरह तो है, बहुत सारे आश्रम वगैरह है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब नहीं है इनका कोई, अच्छा खासा जो स्टोर होना चाहिए वो नहीं है, ऑनलाइन प्रेजेंस इनकी नहीं है जिससे कि ये जो है पूरा एक मार्केटिंग कर सके दोस्तों। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी है, तो इनका भी आपको पता ही होगा कि काफ़ी मेडिटेशन म्यूजिक है, स्पिरिचुअल टॉक है, मोटिवेशनल टॉक जो है यहाँ पे ये करते रहते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है टॉक करना और टीवी शोज करना। तो इनकी भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके की वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी। स्टेशनरी भी बेचते हैं, पेन ड्राइव भी बेचते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको म्यूज़िक भी मिल जाता है, राखियाँ बेचते हैं, बैग्स वगैरह बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इनका बेचते हैं, यहाँ पे बुक्स बेचते हैं, एसेसरीज बेचते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बेच रहे। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक ब्रांड को जो है सेटअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप मल्टी सेंटर अगर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए जो है मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स चाहिए दोस्तों, बट आप जो है यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस कर सकते हैं, इस तरीके की वेबसाइट से आप अपना माल जो है आप जो जो भी सिटी में है वहाँ से सब चीज़ें जो है प्रिंट करवा के, कस्टम प्रिंटिंग का तो आजकल जमाना है दोस्तों, तो लोगों को जो है पहुंचा सकते हैं। म्यूज़िक भी डेवलप करवा सकते हैं दोस्तों, म्यूज़िक भी जो है धीरे धीरे करके आप डेवलप करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो के एंड में। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, बट आपको अपनी स्किल्स जो है स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, आपके पास पूरा मैनेजमेंट स्किल है और आपके घर में या तो आपके पहचान में कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ कोलोब्रेशन करके जो है आप इस तरीके का पूरा जो है सेटअप कर सकते हैं, तो आप कोलोब्रेशन भी करिएगा उसका। एक यहाँ पे हमने अभी तक जो जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन देखे वो काफ़ी बड़े मतलब तगड़े वाले थे, अब जो है छोटे वाले जो है उसको भी हम देखेंगे जो कि अभी सिंगल पर्सन जो है थॉटफुल या तो स्पिरिचुअल पर्सन है उसके द्वारा जो है चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्टफुलनेस करके जो है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ये पर्सन जो है इसको चला रहे हैं। और ये भी जो है आप देख सकते हैं कि इनका भी यूट्यूब चैनल जो है काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहा है और लोग जो है इनको फॉलो भी कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने भी काफ़ी सारे कोलोब्रेशन किए हुए हैं और मेडिटेशन और इसके रिलेटेड जो है क्या बोलते हैं कि डिस्कशन के ऊपर जो है, या तो बुक्स सेल करना, मेडिटेशन म्यूजिक सेल करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे ये लोग बेसिकली जो है अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं, तो जिसके थ्रू जो है आपको पीस मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन, रिलीविंग स्ट्रेस, लिम क्लीनिंग, मेडिटेशन, फियर डिटॉक्स, एंगर डिटॉक्स, तो ये सब चीज़ें जो है ये करवाते हैं, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, क्लीनिंग, इनर कनेक्ट दोस्तों, इस तरीके की सर्विसेज भी आप जो है चला सकते हैं दोस्तों। सेम तरीके से जो है यहाँ पे एक यूनिक कंसेप्ट जो है उसका बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पे हमने जितने ऑर्गेनाइजेशन देखे उसमें हर एक में जो है भले स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन है, योगा है, म्यूज़िक है, बट हर एक का जो डिलीवरी करने का सिस्टम है ना वो एक यूनिक है। तो आपको जो है पिकअप करना है कि आपको क्या करना है, आपको एंड्रॉयड वाला सिस्टम करना है, आईफोन करना है, आपको जो है क्या बोलते हैं कि जियो ने जिस तरीके से सेटअप किया वो करना है, या तो एयरटेल का जो है वो करना है, प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करते हैं, या तो मास कस्टमर्स जो है मास लोगों को, एक साथ ज़्यादा लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। सेम तरीके से यहाँ पे आप जो है लाफ्टर योगा करके जो है कंसेप्ट है, तो उसके ऊपर भी जो है आप मतलब देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने शुरू किया है। तो ये जो है इस तरीके के पेड कोर्सेज करवाते हैं दोस्तों,
उसके अलावा यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग भी जो है पेड टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं, अलग अलग इनकी जो है प्रीमियम मेंबरशिप है लोगों के लिए दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, पेड टीचर ट्रेनिंग। तो ये भी आप जो है इससे भी आप सीख सकते हैं कि आप जो है अगर आपको 50-60 साल तक आपका सेटअप चलाना है तो आप कैसे कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत बड़ा वो है, तो यहाँ पे ये लोग फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इनका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री जूम लाफ्टर क्लब, जिससे कि जो है लोगों का डेटा कलेक्ट करके उनको पेड कोर्सेज जो है बेचे जा सके, पेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या तो ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो है स्पिरिचुअल गुरुज या तो वही सब देखा, बट अब थोड़ा सा हम देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो भी अपना मतलब ये मोटिवेशन बिजनेस जो है, जैसे स्पिरिचुअलिटी बिजनेस है वैसे मोटिवेशन बिजनेस भी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आपको यही जो मतलब अभी दिखा रहा हूँ उसे आप एक नया थॉट जो है लाए, एक नया कंसेप्ट, और जो है एक एक क्या बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मोटिवेशन मेडिटेशन सबको कंबाइन करे करके जो है एक नई नई एक लाइफस्टाइल को आप लेके आए, जिससे लोग जो है अपना स्ट्रेस रिलीव कर सके और आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है आपके कोर्सेज को बाय करें दोस्तों। तो यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के टॉप के क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन स्पीकर है। तो इनका पहला वीडियो आया था कि लास्ट वीडियो ऑफ मोटिवेशन ऐसा करके कुछ था, बट उसके बाद तो उन्होंने मतलब मोटिवेशन के वीडियो की जो है बुहार लगा दी, मतलब फैला दिए इतने, लास्ट नहीं था वो उनका फर्स्ट था जिसको उन्होंने लास्ट बोला था, लास्ट मोटिवेशन वीडियो करके कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लगेगा कि ये जो है मोटिवेशनल स्पीकर ही है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो है मोटिवेशन बिजनेस के अंदर है और इनको जो है काफ़ी पैसों का तो होगा ही होगा इनका, देखिए इमेज बाजार करके एक बिजनेस है, बट उसके वो बिजनेस के अंदर भी उनको बहुत सारा ट्रैफिक मिला है ये फ्री सर्विस प्रोवाइड करने से। तो ये इनका जो है अभी कोई भी सेंटर वगैरह स्टार्ट नहीं है कि भाई इन्होंने आश्रम वगैरह खोल के रखे हो, या तो इनका जो है कोई पेड सर्विस क्या बोलते हैं कि पेड कोर्स ये सेल करते हो, बट इनका जो है ना अभी यूट्यूब चैनल से या तो जो है इमेज बाजार से भी काफ़ी इतना पैसा उनका बना रहा है बन रहा है। और दोस्तों दूसरी चीज़ कि एक जो है ना एक अहंकार सेटिस्फेक्शन मिलना कि गुरु बनना पूरे वर्ल्ड का, वो एक उसके लिए भी ये सब चीज़ें लोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आप इस तरीके का भी कुछ सोच सकते हैं दोस्तों। सेम तरीके से एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये भी एक जो है काफ़ी अच्छे यूट्यूबर है, तो यहाँ पे इनसे ये सीखना है कि वो कैसे जो है अपने वीडियोज़ इस तरीके से बनाते हैं कि वीडियो के अंदर जो है ना वो हर एक वीडियो के अंदर आपको एक प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो सेल करते हुए देखेंगे। तो कई बार ऐसा आपको मतलब पता चलेगा कि इनका जो वीडियो इन्होंने बनाया है ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए ही इन्होंने बीच में जो है बैठा के दिया है, वही टॉपिक के रिलेटेड ये इस तरीके का वीडियो बनाते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं, या तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है अलग अलग कंपनियों के सेल करते हैं। तो आप इसको भी एक बार स्टडी करिएगा। सेम तरीके से जैसे बाबा रामदेव जो है ना वो अपने वीडियोज़ बनाते हैं, और जैसे कि क्या बोलते हैं कि डायबिटीज़ के रिलेटेड वीडियो बनाया है, तो डायबिटीज़ रिजॉल्व करने के कुछ योगा मेडिटेशन दिखा दिए और 5-6 उनकी मेडिसिन हेल्थ प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दी। तो सेम तरीके से जो आदित्य सयानी जो है वो भी यही फंडा जो है इसको यूज़ करते हैं दोस्तों। और आज के समय में जो है ना आपको इस तरीके का काफ़ी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये जो है ना ये सब लोग जो है शॉर्ट टर्म 10-15 साल की गेम खेलने वाले हों ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि भाई शॉर्ट टाइम में पैसे कमा के निकल जाओ। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु भी देखने को मिलेंगे, फिर यहाँ पे आपको जो है इस तरीके के जॉश टॉक जैसे काफ़ी टॉक भी देखने को मिलेंगे कि भाई मैं पहले गरीब था, अभी अगर पूरा जो है ये पूरा जो है पुरानी चीज़ हो गई, पूरा पुरानी चीज़ हो गई है, पे मैं गरीब था, मैं कमज़ोर था, और मैंने या तो मैं मेरे पास जेब में 10 रुपये थे और मैंने 500 करोड़ का बिजनेस जो है शुरू कर दिया, या तो मेरे पे इतने अत्याचार हुए थे और मैंने सबको जो है मतलब पीछे धकेल दिया, मैंने अपने जीवन को बदल दिया, और ये सब चीज़ें जो है लोगों को जो है गुमराह करने के लिए होती है दोस्तों। लोगों को क्या बोलते हैं कि एक क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों को एक आश्चर्य जो होता है ना वो जो लोग अचीव नहीं कर पाते हैं वो लोगों को दिखाना, तो बेसिकली ये लोग जो है ना होप को सेल कर रहे हैं, आशावाद जो है उसको सेल कर रहे हैं। तो ये आज भी सेल होता है दोस्तों, हिटलर भी उसको सेल करता था। यहाँ पे उसका एक दूसरा एग्जाम्पल है कि बहुत सारे जो है शायद ये आपको भी इतना पता ना चले, ये इससे आप रिलेट कर पाओगे कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि UPSC की तैयारी करवाते हैं, IAS IPS बनने के लिए, IIT की तैयारी कराते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने कोर्सेज को बेचने के लिए IAS की लाइफ को दिखाते हैं। उनको भी पता है कि भाई
11 लाख, 12 लाख, 50 लाख अगर बच्चे जो है इस एग्जाम को देते हैं और हमारा कोचिंग लेते हैं, तो उसमें से 200-300 लोग ही आईएएस आईपीएस बनेंगे। बट वो 50 लाख जो है, या तो 11 लाख, जितने भी बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वो भी ये सपने देखे कि भाई वो भी आईएएस आईपीएस बनेंगे, और हमारे कोर्स जो है सालाना 2 लाख 1.5 लाख की फी दे के वो आईएएस आईपीएस बने कि ना बने, बट हम जो है मिलियनर बन जाए, आईएएस आईपीएस जो कमाते हैं उससे भी ज़्यादा पैसे कमाए। तो ये लोग जो है इस तरीके के वीडियोस जो है आईएएस आईपीएस की लाइफ को रिलेटेड जो है, और यार ये तो पुराना है यार, किसी को भी आप पैसे दोगे तो वो इस तरीके के वीडियो बनवाने के लिए तैयार हो जाएगा। डॉक्टर को अगर आप बोलोगे कि भाई चलो मैं 50,000 2 लाख रुपए देता हूँ, आप बोल दो कि ये मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है बहुत बढ़िया है, ये ऐसा फालतू पानी पीने से जो है आपके सभी रोग जो है मिट जाएंगे, ये पाउडर खाने से आपके सभी रोग मिट जाएंगे। तो यार ये यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होती है कि भाई आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है उनको पैसे दे दो तो ऐसा मोटिवेशनल वीडियो बनवा मतलब बनाने देंगे, और इनका कोलोब्रेशन होता ही है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इनको प्रमोट करने के लिए ही कि मतलब इनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये सब सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। तो ये मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि ये भी जो है आजकल बहुत चल रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी बिजनेस, मोटिवेशन बिजनेस, सेलिंग होप, ये जो है बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक और मैं आपको फ्लेवर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने स्पिरिचुअलिटी और ये सब तो देख ही लिया है। तो दोस्तों अब जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, फिटनेस और उस तरीके के वीडियोस, मतलब उस तरीके की सर्विसेज और प्रोडक्ट की जो है उसकी भी काफ़ी डिमांड दोस्तों मार्केट में रहती है। दोस्तों अगर आप ये सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है ना जितने भी मैंने वेबसाइट दिखाए तो उसमें से आप देखिए कि क्या क्या वो सर्विस एंड प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, और आप जो है आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप जो है आप अभी आपको स्पिरिचुअलिटी का, या तो आप इन लोगों की तरह बोल नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी के साथ कोलोब्रेशन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, या तो जो है अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो कि उसके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी का। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि बाबा रामदेव थे तो उन्होंने अपने गुरु जो थे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, और फिर जो है उन्होंने ये सब चीज़ें सेटअप की। तो आप भी जो है धीरे धीरे सीखते हुए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। स्लोली स्लोली जो है आप पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है आप अपना एक वेबसाइट शुरू करें, उसके अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स जो है बना सकते हैं, अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट्स एंड किट्स जो है आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर आप आपके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है तो आप जो है यहाँ पे ये जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसको आप ऑनलाइन विजिट करें, उनके कोर्सेज को करें, उससे भी जो है नेचुरली आपकी जो है स्पीच इनके जैसी बनना शुरू हो जाएगी। थोड़े से बुक्स पढ़े हर एक के, और उस तरीके से जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेडिटेशन जो है जो करवाते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं, या तो ये सब चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी सीखनी तो पड़ेगी दोस्तों, या तो आप किसी के साथ कोलोब्रेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो और इन केस अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो कि ये सब कर रहा है, तो उनको साथ में लेके भी जो है आप बहुत बड़ा बिजनेस जो है सेटअप कर सकते हैं। बिजनेस ऑफ सेलिंग होप्स, बिजनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस ऑफ मोटिवेशन, बिजनेस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, एंड क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक लाइफ जो है उसको मतलब जीना। तो आप जो आपको जो है ना यहाँ पे टॉपिक रिसर्च करना पड़ेगा दोस्तों। उसके अलावा जो है आप अपने सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी पकड़ बनाइए दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो मैं एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि यूट्यूब है, उसके पास एक यूज़र बेस है, बहुत सारे लोग यूट्यूब को देखते हैं। तो YouTube पे अगर आप अपनी वीडियोस बनाते हैं तो आपको YouTube के जो क्या बोलते हैं कि उसकी व्यूअरशिप है वो आपको आपके चैनल पे मिलेगी सेम तरीके से, और आपका बिजनेस ग्रो होगा सेम तरीके से। Instagram पे जो है बहुत सारे व्यूअर है उसके यूज़र से वो वेबसाइट के, तो अगर आप उस पर अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो आपको वहाँ से भी कस्टमर मिलेंगे, व्यूअर भी मिलेंगे, कस्टमर भी मिलेंगे। तो यहाँ पे YouTube पे तो व्यूअर मिलते हैं तो सीधा पैसा मिलता है, Instagram पे आपको अगर व्यूअरशिप मिलती है तो सीधा पैसा नहीं मिलता है, बट अगर आपकी फॉलोअरशिप जो है ज़्यादा है दोस्तों तो आपको जो है ना अलग अलग टाइप के आप क्या बोलते हैं पेड कोलोब्रेशन जो है कर सकते हैं, और ये फॉलोअरशिप दिखा के आप जो है बहुत सारे कोलोब्रेशन या तो पैसे बना सकते हैं बेसिकली। सेम तरीके से फेसबुक है, उस पर भी आप वीडियोस डाल के, पोस्ट डाल के जो है डायरेक्ट जो है पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और उसके जैसे यहाँ पे और भी वेबसाइट्स है, वो भी मैं आपको बारी बारी करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि YouTube से जो है अपने
वेबसाइट पे या तो अपना कंसेप्ट है उसको उसके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए जो है यूज़र बेस बिल्ड करने के लिए आप यूट्यूब से वीडियोस बना के ट्रैफिक क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप इस फेसबुक के पेज के थ्रू भी जो है अपना ट्रैफिक बिल्ड कर सकते हैं। सेम तरीके से जो है लिंक्डइन के अंदर भी जो है आप अपना प्रोफाइल बना के वहाँ पे जो आपने यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं या तो उस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोई लिंक्डइन पैसा नहीं देता है दोस्तों, बट आपको कस्टमर जो है ना बहुत मिलने के चांसेस है दोस्तों, क्योंकि लिंक्डइन जो है एक बिजनेस क्या बोलते हैं प्रोफेशनल जो है लोग उनकी एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे यार लोग जो है ना जॉब के लिए सर्च करते हैं या तो जिनकी अच्छी जॉब लगी है तो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे इस तरीके की सर्विसेज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब आप क्या बोलते हैं कि इस तरीके के कस्टमर जो है ये वेबसाइट के जरिए डायरेक्टली ला सकते हैं, यूट्यूब से भी बेहतर ला सकते हैं अगर आप यहाँ पे फैन फॉलोइंग जो है क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ भी बहुत आप मतलब ज़रूरी है। तो अगर आप नया बिजनेस शुरू करें तो आप एक नाम यूनिक सोचें, और साथ ही साथ जो है यूट्यूब पे चैनल आप बना सकते हैं, यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम पे चैनल बना दीजिए, सॉरी एक क्या बोलते हैं अकाउंट बना दीजिए, फेसबुक पे एक अच्छा पेज बना दीजिए, और यहाँ पे आप लिंक्डइन पे अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करें, ट्विटर जो है उस पर भी आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्विटर का भी एक बहुत बड़ा जो है यूज़र बेस है। सेम तरीके से पिंटरेस्ट जो है उसका भी एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है, जहाँ पे जो है आप बेसिकली कस्टमर को डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। और सेम तरीके से यहाँ पे इंडिया में टिकटॉक तो बैन हो गया है, तो उसके क्या बोलते हैं पैरेलल जो है अभी यहाँ पे मौज करके एक आया है जो कि काफ़ी अभी पॉपुलर है। तो यहाँ पे भी आप अपना स्पिरिचुअल कंटेंट जो है हेल्थ के रिलेटेड कंटेंट जो है डाल सकते हैं और डायरेक्ट पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। हाँ ये एक इसका फ़ायदा है, इस पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारा है आपका अगर व्यूअरशिप है तो ही आपको पैसा मिलेगा। जितना मतलब इंस्टाग्राम पे डिफ़िकल्ट है, यूट्यूब पे डिफ़िकल्ट है, उसके कंपेयर में जो है आप इंस्टेंटली पैसा भी कमा सकते हैं और इसका भी एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ये यूज़र बेस जो है ना बार बार यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक वेबसाइट जो है ना उसके पास उसका व्यूअरशिप है, उसका यूज़र बेस है, तो आप हर एक का जो है अंदर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हर एक के अंदर आप कंटेंट बना के डालें, आपको सब जगह से फ़ायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर फोरम वेबसाइट है, डिस्कशन फोरम वेबसाइट है, उसको आप ज्वाइन करें, जहाँ पे लोग अपनी अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। आप कोरा जो है उसके ऊपर आप अपनी बहुत बढ़िया प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोग अपने लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पूछते हैं, और अपने यूट्यूब के वीडियोज़ जो है उसके आंसर में आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके डाल सकते हैं। सेम तरीके से स्टैक एक्सचेंज में भी बहुत सारे बच्चे जो है अपने लाइफ के रिलेटेड फिजिकल फिटनेस हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पूछते हैं, तो आप उसको आंसर के फॉर्म में जो है आप अपना कंटेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है आप इस तरीके की जो है जैसे कि एक एंट्रेंस एग्जाम या तो जो है MBA प्रिपरेशन की एक पूरा डिस्कशन फोरम है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे मायूस बच्चे होते हैं, तो उनको भी जो है आप आंसर के रूप में जो है अपने अलग अलग टाइप के वीडियोस जो है ये प्लेटफॉर्म के ऊपर भी डाल सकते हैं। बहुत चांसेस है कि आपको बहुत सारा ट्रैफिक आपके कंटेंट में मिलेगा। आपके फ्यूचर में आप कोई कोर्सेज बनाते हैं माइंड रिलैक्सेशन के या तो अपनी प्रोडक्ट्स कुछ बनाते हैं तो इसको भी आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगेन YouTube के पास जो है अपना एक यूज़र बेस है, Instagram के पास है, Facebook के पास है, यहाँ पे LinkedIn के पास है, Twitter के पास है, Pinterest के पास है, मौज के पास है, कोरा के पास है, स्टेक एक्सचेंज के पास है, सेम तरीके से पागल गाय के पास भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के व्यूअर्स हैं, तो उनको भी जो है आपको टारगेट करके, तो बेसिकली आपको एक माया जाल बनाना है। हर एक जो है वेबसाइट के पास एक अपना खुद का एक व्यूअरशिप है, एक यूज़र बेस है, तो आप हर एक से फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है कि आप जो है अपने अलग अलग टाइप के मेडिटेशन प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, वो आप यहाँ पे जैसे कि और एक बार मैं बता देता हूँ कि यूडेमी जो है उसके पास भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र बेस है। यूडेमी है, स्किल शेयर है, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर आप अपने फ्री कोर्सेज बना सकते हैं और अपने पेड कोर्सेज भी बना सकते हैं दोस्तों, और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इन सभी यूज़र्स को ला सकते हैं। तो इनके पास भी बहुत बड़ा यूज़र बेस है दोस्तों ये दोनों चैनल के पास, तो यहाँ से आप फ्री कोर्सेज बना के भी पैसे कमा सकते हैं, पेड कोर्सेज बना के भी जो है पैसे कमा सकते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पे करिएगा दोस्तों। उसके बाद जो है फाइवर करके वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, उसमें आप यहाँ पे लाइफस्टाइल सेक्शन में जाओगे तो आप जो है जैसे कि मैंने आपको बताया फिटनेस है, वेलनेस है, लाइफ कोचिंग है, तो उसके रिलेटेड 1-to-1 किसी को अगर सर्विस चाहिए तो उसके रिलेटेड भी जो है आप अपने सर्विसेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगेन
फाइवर के अंदर भी जो है आपको काफ़ी सारे मतलब इस फाइवर का भी एक खुद का एक क्या बोलते हैं कि यूज़र बेस है दोस्तों। तो ये जो है इससे भी आप अपने यूट्यूब चैनल पे और अदर सोशल मीडिया पे ट्रैफिक ला सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट कस्टमर मिलेंगे। उसके बाद जो है एक वर्क एक्सचेंज करके कंसेप्ट है। तो दोस्तों आप अगर अपने जो भी आपका स्पिरिचुअल बिजनेस है उसको आप ग्लोबल दिखाना चाहते हैं इंडिया में रह के, तो कैसे करेंगे? तो आप वॉलेंटियर्स जो है उसका एक नेटवर्क बना सकते हैं। आप अपने क्या बोलते हैं कि घर पे जो है इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स को ला सकते हैं अपने वीडियोस के अंदर, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर जो है उनके थ्रू जो है कर सकते हैं अपने अलग अलग वर्कशॉप सेमिनार्स में उसको एज ए वॉलेंटियर बैठा सकते हैं। उससे क्या होगा कि लोग जो है ना उसको बेसिकली जो है आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है उसको एक बहुत बढ़िया फ्लेवर मिल सकता है दोस्तों। तो इसको लाने के लिए जो है आपको वर्ल्ड वर्ल्ड पैकर्स वर्क एक्सचेंज की बेसिकली चार पांच अच्छी वेबसाइट है, इसमें से वर्ल्ड पैकर्स नंबर वन पे है। तो यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे आप लोगों को बुलाने के लिए आपको यहाँ पे अपना सर्विस जो है क्रिएट करना पड़ेगा। सेम तरीके से वर्क अवे के अंदर भी है आपका, आपको अपना जो है यहाँ पे पूरा डिटेल डालना पड़ेगा कि भाई वॉलेंटियर यहाँ पे आके इंडिया में आके क्या क्या चीज़ें करेगा, आप उसको रहने खाने पीने का क्या उसका इंतजाम करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ से कर सकते हैं। और आप अपने यूट्यूब के वीडियोज़ जो है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको ये वेबसाइट से भी यूट्यूब पे ट्राफिक आएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं एक और समझाना चाहूँगा कि किसी चीज़ को जो है आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना, तो उससे बहुत चीज़ें जो है मायने करती है। जैसे कि यहाँ पे कविता किचन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कविता किचन जो है उन्होंने एक मिष्टी दोही का जो है एक वीडियो बनाया था, तो उसको उन्होंने कैसे जो है प्रेजेंट किया था उसको आप देखिए, है ना। सेम तरीके से जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं कि निशा मधुलिका जी ने भी मिष्टी दोही जो है उसका वीडियो यहाँ पे बनाया था, तो उन्होंने किस तरीके से इसको प्रेजेंट दोस्तों किया है। और यहाँ पे उसके बाद जो है एक और जो है यहाँ पे सर्विस है, सर्विस क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल है क्या बोलते हैं सागर्स किचन, इसने जो है मिष्टी दोही का जो वीडियो बनाया है। तो ये तीनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें तीनों के अंदर जो है तीनों ने मिष्टी दोही बनाना सिखाया है, बट तीनों के अंदर जो है ना उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है अलग अलग है। और आपको बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसमें ऐसा कुछ नया लाना पड़ेगा। आपने अकाउंट तो सब में बना दिए हैं दोस्तों और सब अलग अलग वेबसाइट के यूजर्स या तो व्यूअर्स को आप अपने चैनल पे ला रहे हैं तो वो तो हो ही रहा है, अपने माया जाल तो बैठा दिया है दोस्तों, बट आपको कंटेंट के अंदर अब जो है कुछ नया लाना पड़ेगा। नॉर्मल जो ऐसे बैठे बैठे बोल दिया ऐसा नहीं चलेगा, कुछ ऐसा लाइएगा कि लोग जो है ना आपके वीडियो के अंदर बेसिकली आपको एंगेजमेंट बढ़ानी है। और लंबे वीडियो भी बना सकते हैं और शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं, शॉर्ट मोटिवेशन का भी आजकल जमाना है, शॉर्ट स्पिरिचुअल नॉलेज का भी आजकल जमाना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम जो है यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डिंग की जो बात कर रहे थे और टॉपिक रिसर्च की जो बात कर रहे थे, उसमें से कंसेप्ट बिल्डिंग के अंदर भी जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुकिंग के अंदर भी जो है आप देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन से जो कुकिंग कुकिंग के वीडियोज़ बनते थे उसमें भी काफ़ी चेंज आ चुका है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोगों को एंगेज किया जा रहा है ना, कि 100 साल की दादी जो है कुकिंग कर रही है, 10 साल का बच्चा कुकिंग कर रहा है, यहाँ पे जो है मिनिएचर कुकिंग, जायंट कुकिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जायंट कुकिंग का भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। फिर विलेज में बैठे बैठे लोग जो है कुकिंग करते हैं उसका भी एक यहाँ पे जो है आपको कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा। एनिमल कुकिंग, हाँ यार ये भी है कि बिल्ली जो है वो खाना बना रही है, मंकी जो है वो खाना बना रहा है, तो इस तरीके से भी जो है यहाँ पे कुकिंग आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। और माउंटेन में बैठे बैठे कुकिंग करना और जो कुक आपने किया है वो गरीब बच्चों को खाना खिलाना इस तरीके का है भी काफ़ी चल रहा है दोस्तों। उसके अलावा जो है वेस्ट करते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी वीडियोस जो है वायरल हुए हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं टिकटॉक वायरल फूड वेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके के वीडियोस भी जो है बहुत वायरल हुए हैं। और इसके काउंटर आंसर में लोग जो है खाना बिगाड़ने की जगह खाना बचा के गरीब बच्चों को जो है खाना खिला रहा है। तो यहाँ पे यार दोस्तों एक मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत इनोवेटिव तरीके से जो है आपको करना होगा। फिर यहाँ पे जैसे कि है कि हाइलाइट्स जो है, जैसे आजकल तो सब लोग जो है यूट्यूब पे इंटरनेट पे जो है क्या बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे कोट जो होते हैं फॉरवर्ड करने के लिए,
या तो फिर व्हाट्सएप के स्टेटस में कोट्स अलग अलग होते हैं, या तो ऐसे स्पीच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मीम्स होते हैं, वो सर्च करते हैं ये सब जगह पे जो है शेयर करने के लिए। तो आप अपने स्पिरिचुअल जो आपने वीडियो सीरीज जो बनाई है तो उसके अंदर आप छोटे छोटे जो आपने चीज़ें करी है तो उसके कंपाइलेशन करके पूरी सीरीज भी बना सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे इसको बनाते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे आज के समय में जो है ना, आप गरीब को क्या बोलते हैं, छुप के जाके हेल्प करने की जगह अगर आप ऑन कैमरा हेल्प करते हैं तो उस तरीके के वीडियो देखने वालों की भी जो है बहुत बड़ी जो है संख्या है दोस्तों। तो इस तरीके के टॉपिक का जो है उसको भी आप कवर अप कर सकते हैं कि भाई गरीब को हेल्प कर दिया। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, आपको ऐसा करना ही है, ऐसा नहीं है। लोग किस तरीके के वीडियोज़ बना रहे हैं वो आपको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ दोस्तों, और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉपुलर कॉमेडियन जो है वो भी आजकल इस तरीके के वीडियोज़ बना रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गरीब बच्चे जो है उसके बाल काट दिए, जो और क्या बोलते हैं कि रोड पे जो भिखारी है उसके बाल काट दिए, नहला दिया उसको, फिर उसके कपड़े वपड़े उसको कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके का भी कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा भी करते हैं कि भाई बहुत गरीब होते हैं तो उनको जाके सरप्राइज़ करना, फ्रिज दे के, टेलीविज़न दे के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आजकल लोग करते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी जो है इससे भी आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, और स्पिरिचुअल जो बिज़नेस आप बना रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कुछ कुछ आप जो है बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि अलग अलग वेबसाइट जो होती है वो मेहनत करके अपना एक यूज़र बेस बनाती है, तो आप उनके जो ये मेहनत किया हुआ यूज़र बेस है वो अपने यूट्यूब चैनल पे और अदर सोशल मीडिया पे, वहाँ से जो है कस्टमर्स या तो ट्रैफिक जो है व्यूअरशिप आप ला सकते हैं। तो आपको एक एडिशनल और चीज़ करनी है, हमने फाइवर पे खाता बना लिया, स्किल शेयर पे बना लिया, यूडेमी पे बना लिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन सब जगह जो है हमारे खाते बना लिए हैं। साथ ही साथ जो है आप अपने क्राउड फंडिंग की वेबसाइट है वहाँ पे भी आप जो है अपनी क्या बोलते हैं कि कैंपेन जो है आप लगा दें कि भाई हमको जो है इस तरीके के स्पिरिचुअल वीडियोज़ जो है बनाने हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाने हैं, या तो कोई भी कंटेंट जो है वेलनेस कंटेंट बनाना है तो उसके लिए जो है हमको फंडिंग चाहिए कैमरा वगैरह सेटअप लेने के लिए, या तो ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है जिसके बेस पे जो है लोग आपके कैंपेन को जो है वो देखे, और आपके आपने वहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि एक स्पीच दी हुई है, वीडियो बनाया हुआ है उसको देखे, और आप उसके बाद जाके जो है आपके अदर वीडियोज़ यूट्यूब पे देखे, तो आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे जो लोग डोनेशन करने आते हैं उनको आपको अपनी वेबसाइट सॉरी यूट्यूब चैनल पे लेके जाना है। तो आप जो है यहाँ पे इंडीगोगो है, कैटो है, ये सब पॉपुलर चैनल्स है, इंपैक्ट पे आपको देखने को मिल जाते हैं, किक स्टार्टर, फिर एक मिलाप करके है, तो ऐसे बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल है सॉरी यूट्यूब चैनल है बहुत सारे ऐसे क्राउड फंडिंग जो है प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अब जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है कंसेप्ट बिल्डिंग की जो बात की है, साथ ही साथ आपको टॉपिक रिसर्च भी करना है दोस्तों। कंसेप्ट तो है ही बनाना, टॉपिक रिसर्च भी करना है, टॉपिक्स जो है वो कहाँ से निकालेंगे। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो जो स्पिरिचुअल गुरु थे, बड़े बड़े गुरु थे, तो वो जो है ना जेनरिक बात करते हैं कि अच्छा करो, अच्छा होगा, ये होगा ये, बट आपको जो है ना लोगों की रियल वो जो है ना उससे बहुत लोग जो इनिशियली मोटिवेट हो जाते हैं बट रियल जो प्रॉब्लम होते हैं ना उसके सोल्यूशन नहीं मिल पाते हैं। तो रियल प्रॉब्लम्स जो है उसकी आप डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है ना यूट्यूब चैनल उसमें आपको इस तरीके के टॉपिक भी मिल जाएंगे, इसको बहुत ही आप स्टडी कीजिएगा। ये चैनल को तो 100% मैं बोलता हूँ कि आप कंप्लीटली स्टडी कीजिएगा कि टॉपिक रिसर्च जो है क्या टॉपिक के ऊपर आप अपना वेलनेस स्पिरिचुअलिटी जो भी आप मोटिवेशन का चैनल चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टॉपिक्स होने चाहिए, तो ये चैनल को आप रिफ़र करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जितनी भी हम बात कर रहे हैं उसको सभी को मैं लिंक में दे दूंगा। सेम तरीके से जो है आप ज़ोबरा द ज़ेन हैं, उन्होंने भी काफ़ी यूज़फुल जो है वीडियोज़ बनाए हैं, तो उसके अंदर से भी जो है आप टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको भी आप कम्प्लीटली ये चैनल को स्टडी कीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये आईआईटी आईएम पास आउट है, तो ये इन्होंने जो है स्पिरिचुअलिटी मोटिवेशन का पूरा कॉम्बिनेशन जो है बनाया है दोस्तों, तो इसको भी आप स्टडी करिएगा, आपको काफ़ी पता चलेगा कि कैसे जो है आप अपना यूट्यूब चैनल जो है चला सकते हैं दोस्तों, और सक्सेसफुली चला सकते हैं और करोड़ों रुपये भी कमा सकते हैं। तो आईआईटी आईएम वाला बंदा भी जो है आप देखिए ओशो जैसा ही इसका फेस लुक ये इन्होंने बनाया हुआ है पूरा, तो ये चीज़ भी है दोस्तों। तो यहाँ पे भी काफ़ी आपको टॉपिक जो है मिल जाएंगे, और साथ ही साथ अभी एक और चीज़ मुझे बतानी है, चलिए बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम टॉपिक रिसर्च की जो बात कर रहे थे उसमें आपको नंबर वन जो मिलेगा दोस्तों फिटनेस है, वेलनेस, आपकी जो भी चैनल आपको बनानी है दोस्तों तो उसकी सबसे बड़ी जो है टॉपिक रिसर्च की लाइब्रेरी है। राजीव दीक्षित जी जो थे, जो
क्योंकि अब नहीं रहे हमारे बीच में, क्योंकि IIT पास आउट थे, काफ़ी होशियार बच्चे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो यहाँ पे इन्होंने जो जो टॉपिक के ऊपर जो है उनके सॉल्यूशंस दिए हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कि आज के जनरेशन के हिसाब से क्या दिक्कतें हैं और इसका क्या सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, या तो क्या सॉल्यूशन सक्सेसफुली जो है निकाला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ से आप टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं, वीडियो आइडियाज़ जो है ले सकते हैं और अपने नए तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने प्रेजेंटेशन के भी जो है आपने देखा कि काफ़ी नए नए तरीके जो है यहाँ पे मैंने आपको समझाए हैं कि कैसे कुकिंग वर्ल्ड के अंदर जो है कुकिंग वीडियो बनाने के अंदर कैसे लोगों ने अलग अलग चीज़ें करी है, तो सेम तरीके से आप इसके अंदर भी नयापन जो है ला सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप ऑनलाइन ही पूरा ये चलाना चाहते हैं तो अलग बात है, ऑनलाइन के अंदर भी आप एक कुछ कर सकते हैं कि अगर आपने कोई देखा होगा कि बहुत सारे मंदिर जो है या तो धर्म है उनके अंदर जो है ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ना, एक तो अपना जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि सत्संग कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, या तो कोई मेडिटेशन का कोर्स करा रहे हैं, रेसिडेंशियल कोर्स करा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाके करा रहे हैं, फिर टीचर ट्रेनिंग होती है उनकी जो कि इनको साधु बनाने की ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग है, साधु बनाने की ट्रेनिंग है, वो चलती है। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ चलती है और बहुत सारे मंदिर जो है ना वो चीज़ के लिए जो है मतलब अलग अलग मंदिर जो है उसके लिए प्रख्यात होते हैं कि वहाँ पे जो है प्रसाद मिलता है, हर एक मंदिर का एक अलग टाइप का प्रसाद है, यूनिक प्रसाद है। तो प्रसाद जो है आप ऑनलाइन अगर आप खाली यूट्यूब पे ही चला रहे हैं फिर भी आप प्रसाद जो है निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूरे इंडिया लेवल पे उसको आप डिलीवर कर सकते हैं और मे बी वर्ल्ड लेवल पे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कंप्लीट खाना जो होता है वो आप शायद डिलीवर ना कर सके, बट कोई मिठाई है अच्छी वाली मिठाई तो आप किसी के साथ कोलोब्रेशन करके जो है वो मिठाई जो है एक उसका यूनिक टेस्ट क्रिएट करके जो है जो कि आपकी ही यूनिकनेस का जो है क्या बोलते हैं कि प्रतीक है, तो वो मिठाई आप जो है डिलीवर कर सकते हैं लोगों के वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जैसे इस्कॉन है तो इस्कॉन है, या तो फिर क्या बोलते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग भी है, तो वो लोग भी जो है ना वहाँ पे जो खाना खिलाते हैं तो उसकी रेसिपीज़ जो है यहाँ पे शेयर करते हैं। तो वैसे तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई मेरे हिसाब से, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए जो है ना अलग अलग प्रसाद जो है ये लोग मतलब बनाते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज है, इस्कॉन है, वहाँ पे अलग अलग प्रसाद मिलेंगे एवरी डे। तो आप वो तो शायद ना कर पाए क्योंकि आपका मंदिर वगैरह तो है नहीं, आप ऑनलाइन ही चलाते हैं, बट आप जो है जैसे कि काजू कतली, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, काजू कतली आपने एक यूनिक प्रसाद आपका बनाया है तो आपके वहाँ पे कोई भी जुड़ता है तो वो आपके वेबसाइट से या तो यूट्यूब चैनल से वो जो है ऑर्डर करवा सकता है। सेम तरीके से टी शर्ट वगैरह कुछ ऑर्डर करवा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ जो है मैं यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर करना मतलब भूल चुका था, पेट्रोन करके वेबसाइट है दोस्तों, जैसे कि हमने क्राउड फंडिंग की वेबसाइट देखी, इसी तरीके से जो है इस तरीके के यूनिक जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनको सपोर्ट करने की सिस्टम्स के कंसेप्ट पे जो है बहुत सारी वेबसाइट चलती है, उसमें पेट्रोन जो है वो सबसे ऊपर है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो है अपने क्या बोलते हैं योगा मेडिटेशन वगैरह जो है उसके वीडियोस जो है दोस्तों डालते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि ये यूट्यूबर है तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो है मतलब इसके जो फॉलोअर्स रहते हैं वो कुछ कुछ डॉलर वगैरह जो है दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट पैसा नहीं भी मिलता है बट आप यहाँ पे अपने वीडियोस जो है अगर डालेंगे तो ये वेबसाइट के अंदर भी उसका खुद का एक यूज़र बेस है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया है कि हर एक वेबसाइट के पास उसका यूज़र बेस व्यूअरशिप होती है, तो उसको आपको जो है अपने यूट्यूब चैनल पर लेके जाना है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर भी अपना खाता खोल के जो है अपने अलग अलग वीडियोज़ यहाँ पर डालने हैं पोस्ट के रूप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लोगों को अगर वो स्पेसिफिक पोस्ट देखनी है तो वो यहाँ पे मेंबरशिप जो है ले सकते हैं और कुछ फ्री भी आप यहाँ पे डाल दीजिए जिससे कि लोगों का मतलब यहाँ पे बेसिकली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक यहाँ से आया है। सेम तरीके से बाय मी ए कॉफ़ी करके वेबसाइट है, यहाँ पे भी इनका भी यही सिस्टम है क्रिएटर्स को जो है सपोर्ट करना दोस्तों। तो यहाँ पे भी जो है आप अपना खाता खोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सर्च करके दिखाता हूँ, देखते हैं योगा वाले कितने लोग हैं जिससे कि हमको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कितने क्रिएटर्स हैं क्योंकि योगा वगैरह जो है आप यहाँ पे चलाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये है योगा का चला रहा है, तो इसके जो है इन्होंने यहाँ पे इस तरीके के अपनी लिंक वगैरह डाल के रखी है दोस्तों, है ना। यहाँ पे इसको देखते हैं तो बेसिकली जो है यहाँ से आप जो है जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपनी ये यूट्यूब का वीडियो डाल के रखा है। तो दोस्तों यहाँ से फ़ायदा ये है
कि आपको जो है अपने चैनल पे जो है ट्रैफिक ये वेबसाइट से मिलना शुरू हो जाएगा और आपका जो है गूगल एसईओ जो है वो भी इम्प्रूव होगा दोस्तों। ये सब चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको करनी है दोस्तों। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है कि स्पिरिचुअल कंटेंट, वेलनेस कंटेंट, फिटनेस कंटेंट है, उससे हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, या तो जो है स्पिरिचुअल गुरु, मोटिवेशनल गुरु बन के कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो मैंने ज़्यादातर जो है टेक्निक्स यहाँ पे आपको बता दी है। वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट ये आप समझ लीजिए कि कंप्लीट गाइडेंस है, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और आप चाहें तो दोस्तों, अगर आपके पास खुद के पास इस तरीके की स्किल नहीं है कि आप खुद बोल सके, तो आपने देखा होगा कि जैसे नरेंद्र मोदी होते हैं तो उनकी स्पीच वगैरह जो है वो और कोई लिखता है दोस्तों। और कई बार क्या होता है कि जब जो है नरेंद्र मोदी कुछ चीज़ नहीं समझा सकते, तो उसका आदमी जो है वो काम कर देता है दोस्तों, वो बोल के आता है अलग अलग जगह। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, भले बिहाइंड द सीन आप है, बट आप किसी को जो है अपने फैमिली मेंबर को भी जो है इसमें एज एस जो है क्या बोलते हैं कि स्क्रीन पे जो है ला सकते हैं। उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, एक आप सर्च करेंगे विलेज कुकिंग करके जो है ग्रैंड पा, तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक कंसेप्ट है विलेज कुकिंग का, ये वाला जो है आप देख सकते हैं चैनल। तो इसके ऊपर वैसे वो ग्रैंडपा जो थे वो तो अभी हमारे बीच में रहे नहीं है, तो यहाँ पे ये 100 साल के ग्रैंडपा थे जो कि यूट्यूब पे जो है वीडियोस दोस्तों बनाते थे, बट एक्चुअल में और जायंट कुकिंग ये लोग करते थे, बट ये जो थे ग्रैंडपा, ये रहे हमारे ग्रैंडपा किचन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, तो बेसिकली पहले के जो वीडियो थे उसमें वो आते थे ये वाले ग्रैंडपा, अभी ये इनकी डेथ हो गई है। तो ये बेसिकली एक एक्टर थे दोस्तों, और जो है एक्टिंग करते थे, और अब जो है वो हमारे साथ नहीं रहे हैं। तो बेसिकली ये इतने जायंट कुकिंग खुद नहीं करते थे, वो खाली थोड़ा थोड़ा दिखा देते थे कि भाई ये चीज़ों को हमने मिलाया है और ये जायंट कुकिंग की है, और एट द एंड ये जो बनता था वो ऑर्फनेज में जाके डोनेट करके आते थे। तो बेसिकली आपको भी, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई मेंबर है जो कि स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, इस तरीके की बातें कर रहा है, और इसकी छोटी सी कम्युनिटी भी है, वो मतलब अपने घर पे या तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके अपने नॉलेज को शेयर कर रहा है, तो उसको यूट्यूब पे लेके आए, और ये जो हमने नेटवर्क पूरा जो यहाँ पे मायाजाल बिछाया है वो आप करें, उनको जो है वो उसका नॉलेज शेयर करने दीजिए। तो इस तरीके से जो है दोनों पार्टी जो है उसका नॉलेज साथ में मिलके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और नॉलेज भी स्प्रेड कर सकते हैं, जो भी आपका मोटिव है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको मतलब यहाँ पे हमारे भारतीय युवा जो है मिडिल क्लास युवा जो कि जूझ रहे हैं एक जॉब पाने के लिए, अच्छी सेटल कैरियर को पाने के लिए, तो वो भी ये तरीका जो है यहाँ पे हमने स्पिरिचुअलिटी का जो बताया है उसको भी कर सकते हैं। आप जो है एवरीडे कुछ नया ज्ञान जो है उसको पढ़िए, अलग अलग बुक्स को पढ़िए, स्पिरिचुअलिटी की क्या बोलते हैं कि ज्ञान की बातें जो है उसको सीखिए, और अपना एक खुद का नॉलेज बिल्ड कीजिए। देखिए ये लोग कैसे बोलते हैं, किस तरीके से जब उनको क्वेश्चन पूछा जाता है तो गोल गोल आंसर देते हैं, या तो गोल गोल बोले या तो हर एक क्वेश्चन का उनके पास आंसर रहता है दोस्तों, उनको आप कहीं से भी पकड़ नहीं सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपना भी खुद का भी ये कर सकते हैं अगर आप चाहें तो दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, ऑल द बेस्ट, कोई भी क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।